हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है तुम सब के? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है साहिल ने। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच साहिल फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ बतानी है मुझे। तो अभी तक क्या हो रहा था, आप सब मुझसे अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर आके शेयर कर रहे थे, राइट? मतलब आजकल बहुत सारे उसमें मैसेजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जो कि मुझसे मिस हो जा रही है, क्योंकि मतलब बहुत मैस्टअप हो चुका है वहाँ पे, पूरा मैसेजेस बहुत सारे एकदम से आने लग गया, तो थोड़ा सा हो गया मैस्टअप। आई नो मैं फेमस हो गया हूँ, मजाक, ऐसा कुछ ही नहीं है। बट वही मेन चीज़ ये है कि मैं थोड़ा सेपरेट रखना चाहता हूँ, जो हमारी स्टोरीज है इन सबको मैं अलग रखना चाहता हूँ। तो अब से हम इंस्टाग्राम पर नहीं बल्कि मेरे जीमेल, मैंने एक नया अकाउंट बनाया, आप सब अपनी स्टोरी मुझे उसमें आके भेज सकते हो। वहाँ पे आप सबकी स्टोरी पढ़ना बहुत इजी रहेगा मेरे लिए। तो आप प्लीज़ अब किसी ने भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी भेजिए जिनकी मैंने मतलब रीड नहीं करी है, मैंने सीन नहीं करी है, आप सब अपनी वही स्टोरी वापस से मुझे जीमेल में भेज सकते हैं। मतलब ऐसा कर लो तो मेरी भी बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि नहीं हो पा रहा इंस्टाग्राम पे, थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है अब। तो बेटर है कि हम यू नो सॉर्टेड रखें चीज़ें और मैं आप सबकी स्टोरी पढ़ पाऊँ और आपसे शेयर कर पाऊँ। तो स्क्रीन में आपको दिख ही रही होगी अभी मेरी जीमेल आईडी, बस आप यहाँ पर आके भेज दें। थैंक यू सो मच एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो साहिल बेसिकली बिहार से बिलोंग करता है और ये घटना साहिल के साथ तब हुई थी जब वो अपने डिप्लोमा की एग्ज़ाम देने के लिए अपने शहर चाकिया से दूसरे शहर छपरा में जा रहा था, और इसी दौरान उसके साथ एक घटना हुई थी जो कि अब मैं आप सबसे शेयर करने वाला हूँ। तो साहिल अपने घर पे ऐसे ही बैठा हुआ था कि अचानक से उसको एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसको पता चलता है कि उसकी जो अब एग्ज़ाम की डेस्टिनेशन है वो छपरा में है। साहिल ये चीज़ अपने दोस्तों को बताता है, साहिल के दोस्त आदित्य और आकाश, इन दोनों ने भी सेम ही एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करा होता है, बट आदित्य और आकाश का जो सेंटर होता है वो पटना में पड़ता है। तो ये तीनों बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि आदित्य और आकाश पटना जाएंगे और जो साहिल होता है वो भी उनके साथ ही जाएगा, बट पटना के आगे फिर साहिल अकेले जाएगा छपरा तक। आदित्य और आकाश इनमें से एक की मौसी जी का घर वहीं पे ही होता है जहाँ पे इनका सेंटर पड़ा होता है पटना में, तो ये दोनों वहाँ पे रहेंगे, साहिल आगे छपरा जाएगा, छपरा में एक होटल लेगा और वो वहाँ पर रहेगा। तो अब ये तीनों दोस्त दोपहर में अपने घर से निकल जाते हैं, ये एक दिन पहले ही निकल जाते हैं क्योंकि मतलब ये नहीं चाहते थे कि इनका एग्ज़ाम मिस हो, तो ये पहले ही निकल जाते हैं। तो ये दोपहर में अपने घर से निकलते हैं एंड रात तक ये पटना में पहुँच जाते हैं। करीबन 9 बजे ये लोग अब पटना में पहुँच चुके हैं। अब ये तीनों वेट कर रहे हैं साहिल की जो छपरा जाने वाली ट्रेन है उसका। तो 9 बजे ये लोग पहुँचे हैं और अब 11 बज गए हैं, अभी तक वो ट्रेन नहीं आई, तो ये भी काफ़ी वेट कर रहे होते हैं। बट जो ट्रेन का मतलब टाइम होता है वो भी यही 11:30 के आसपास ही होता है। जैसे 11 बजते हैं मतलब थोड़े से ही टाइम हुआ होगा, मतलब ये समझ लो 11:05, 11:10 ट्रेन आ जाती है। वेल जैसे ही ट्रेन आती है ये दोनों दोस्त आदित्य और आकाश साहिल को बिठाते हैं ट्रेन में और उसे बोलते हैं चल ठीक है ब्रो, यहाँ से तो अब तुझे अकेला ही जाना है, हम भी चलते हैं अपने घर और फिर आते वक्त भी सेम ही तरीके से आ जाएंगे। तो यही इनका प्लान होता है कि जैसे एग्ज़ाम देंगे उसके अगले दिन फिर साहिल छपरा से आएगा, पटना में रुकेगा, पटना में ये दोनों भी मिलेंगे और ये तीनों अब वापस साथ चले जाएंगे। तो ये इनका प्लान होता है। तो ठीक है, साहिल अब अपना अकेले ट्रेन में बैठा हुआ है और अब ट्रेन चल पड़ी है। तो अब बैठे बैठे तो कुछ काम था नहीं, तो साहिल बस यही चेक कर रहा था कि जहाँ मैं उतरूँगा छपरा स्टेशन में वहाँ से जो उसका सेंटर है वो कितनी दूर पड़ता है। वेल जब वो देखता है तो जो छपरा जो स्टेशन होता है उधर से जो उसका सेंटर होता है वो 10 किलोमीटर दूर होता है, और छपरा स्टेशन से पीछे एक और छोटा सा स्टेशन होता है जिसका नाम होता है छपरा रोड जंक्शन। और साहिल सोचता है अगर मैं यहाँ उतर जाऊँ और यहाँ से ऑटो कर लूँ तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था वो, शायद 3 किलोमीटर कुछ इतनी ही दूरी थी वहाँ पे। तो साहिल ये सोचता है कि मैं इस वाले स्टेशन में, छोटे वाले स्टेशन में उतर जाऊँगा एंड यहाँ से ऑटो करके फिर अपने सेंटर में चला जाऊँगा। तो साहिल ऐसा ही करता है, करीबन रात के 12:30 बजे होंगे कि साहिल उस छोटे स्टेशन में उतर जाता है। बट जैसे ही वो स्टेशन में उतरता है ना उसको बड़ी अजीब सा फील होता है क्योंकि वहाँ पर एक आदमी भी नहीं होता, मतलब वो स्टेशन पूरा खाली है, दूर दूर तक उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वेल रात के 12:30 बजे है और एक छोटा सा स्टेशन है, ये सोच के साहिल ठीक है कोई बात नहीं यहाँ पे कोई नहीं हो सकता यही सोचता है और फिर आगे चल पड़ता है। जैसे वो स्टेशन एग्जिट करता है वो रोड पर है और वहाँ पे भी उसे कोई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा दूर दूर तक। अब साहिल को बड़ा अजीब लगने लग जाता है क्योंकि अब क्या करे साहिल, एक ऐसी जगह, एक अनजान सी जगह जहाँ पर उसे कोई नहीं जानता, वो किसी को नहीं जानता और ना कोई ऑटो ना कोई आदमी, दूर दूर तक कोई मतलब दिख ही नहीं रहा। तो अब साहिल को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब साहिल गूगल मैप में अपना सेंटर लगाता है जो डायरेक्शन दिखाती है उस साइड चलने लग जाता है। और जब साहिल चल रहा है ना तो उसको अब बहुत डर भी लग रहा है अंदर से क्योंकि तुम एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे तुम किसी को नहीं जानते, एक सुनसान सा इलाका, और मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ पे कोई अनजान आदमी आ गया और तुम्हें गलती से बोल दे कि अच्छा जो भी है सब निकालो गुंडे ये लोग, और रात के 12:30 बजे, मतलब हर चीज़ ही इस टाइम ऐसी है कि साहिल को हमेशा बुरे थॉट्स ही आएंगे इस टाइम पर। इनफैक्ट साहिल क्या, हम सब में से कोई भी वहाँ पे होगा हम सबको भी बड़े नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे,
तो साहिल भी ऐसे बहुत ज्यादा डर रहा है और बस चारों तरफ देख रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा, कोई ऐसा अजीब सा इंसान जो मतलब मुझे अभी लूट लेगा, ऐसा ऐसा उसके दिमाग में ये सब चल रहा है। और वो बस चले जा रहा है कि तभी उसको एक दूर एक ऑटो दिखता है। तो वो जो ऑटो होता है वो एक अजीब सा पेड़ होता है, वो उसके नीचे खड़ा होता है। तो साहिल उस ऑटो के पास धीरे धीरे जा रहा है और थोड़ा सा अब खुश है कि ठीक है चलो कोई तो मिला, अब भाई जो ऑटो वाले भैया जितना बोलेंगे उन्हें दे देंगे और जल्दी से अब सेंटर के पास पहुंच के कोई होटल कर लेंगे एंड ठीक है ओके। साहिल अब थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर रहा है। वो जैसे जैसे ऑटो के पास जा रहा है वो एक चीज़ नोटिस करता है कि वहाँ पे तो कोई है ही नहीं, बस एक ऑटो खड़ा है, कोई ड्राइवर नहीं, कोई कुछ नहीं। बट जो ऑटो होता है उसकी कंडीशन एकदम ऐसी होती है कि वो एकदम नया लिया हुआ है। तो अब साहिल आगे पीछे ढूंढने लगता है कि अच्छा ड्राइवर भैया कहाँ है, जरा देख लूँ। साहिल हर जगह देख रहा है, उसे कोई नहीं दिख रहा। वो अब थोड़ा सा आगे चल के देख रहा है यहाँ वहाँ कि उसे एकदम से ऐसा फील होता है कि उसके पीछे कोई तो खड़ा है। अभी साहिल अभी जस्ट मुड़ा ही होता है कि उसको ना एकदम से ऐसा फील होता है कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया है। साहिल एकदम डर जाता है और ऐसे पीछे मुड़ के देख लेता है। और जैसे साहिल मुड़कर देखता है वो देखता है कि एक 30 साल का आदमी ऑटो ड्राइवर की ड्रेस में खड़ा है और वो पूछ रहा है कि क्या हुआ भैया, कहीं जाना है क्या? वेल, ये जैसे सुनता है साहिल समझ जाता है कि ये और कोई नहीं, ये ऑटो ड्राइवर है। साहिल तब थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और वो ऑटो वाले भैया को बोलता है कि हाँ जी भैया, मुझे दौलतगंज जाना है, जहाँ पर एक गांधी हाई स्कूल कम इंटर कॉलेज होगा, मेरा वहाँ पे सेंटर पड़ा है, तो आप मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो? ऑटो वाला बोलता है जी बिल्कुल, हम बिल्कुल आपको छोड़ देंगे वहाँ पर, आइए। और अब साहिल ऑटो में बैठ चुका है और साहिल पूछता है कि भैया आप कितना प्राइस लोगे यहाँ से जाने का? ऑटो वाला कहता है कि भैया देखो, यहाँ से करीबन वो 4-5 किलोमीटर दूर होगा जहाँ आपको जाना है, इतनी रात भी है, तो 100 रुपये से कम तो नहीं लगेंगे। साहिल बोलता है भैया ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, आप बस मुझे वहाँ तक छोड़ दें। अब साहिल को ना बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, मतलब अभी ऑटो चला नहीं है, जस्ट वो भैया थोड़ा रेडी कर रहे हैं ऑटो, तो थोड़ा टाइम ले रहा है, और साहिल को बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, जैसे कुछ तो ना बहुत बुरा होने वाला है या कुछ अजीब सा लग रहा है। मतलब साहिल सोचता है कि मैं इतना ट्रैवल कर चुका हूँ, एक अनजान सी जगह में हूँ, रात के 12:30 बज रहे हैं, मुझे शायद इसलिए ऐसा फील हो रहा होगा। साहिल कुछ भी नहीं बोलता और वो भैया अब जस्ट ऑटो स्टार्ट करने वाले होते हैं कि एकदम से साहिल को ना वॉशरूम जाना होता है। तो साहिल बोलता है भैया एक मिनट, अभी अभी चालू मत करना, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, यहाँ मुझे थोड़ा वॉशरूम यूज़ करना है। साहिल आगे पीछे देखता है तो कोई वॉशरूम नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो साहिल बोलता है भैया आप बस यहीं रुके, मैं बस 2 मिनट में आया, और साहिल थोड़ा आगे चले जाता है। मतलब ऐसा रोड सा है और नीचे साइड ऐसे थोड़े थोड़े झाड़ से है, तो उस साइड चला गया। साहिल ने ऑटो में ही अपना बैग छोड़ा होता है और वो जस्ट अभी मतलब उन झाड़ियों में खड़ा है कि वो देखता है कि सामने एक छोटा सा घर है। साहिल जब ध्यान से देखता है तो वो जो घर होता है वो किसी और का नहीं, बल्कि जो ट्रेन में काम कर रहे होते हैं TC उनका ही होता है। वो मतलब उसी ड्रेस में वहाँ पे बैठे हुए और कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि बुक पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है, और लाइट जली हुई है। तो साहिल देखता है कि मतलब बस वो देख रहा है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये इनका घर है ऐसा करके। और जैसे वो पीछे मुड़ता है, साहिल जो देखता है उससे साहिल इतना ज़्यादा डर जाता है कि मतलब वो बता नहीं पा रहा। साहिल देखता है कि वो जो नया ऑटो था जिसमें अभी साहिल बैठा हुआ था, उसमें पूरी आग लग चुकी है, वो पूरा ऐसे जल रहा है, और जो साहिल का बैग था जो ऑटो में पड़ा हुआ था वो ऐसे साइड में गिरा पड़ा है, और जो ऑटो ड्राइवर था वो कहीं दिख नहीं रहा। साहिल को समझ नहीं आ रहा एकदम से कैसे हो गया, मतलब मैं अभी जस्ट इसी में बैठा हुआ था, ये तो एकदम सही था, और ऐसी कोई आवाज़ भी नहीं आई कुछ फटने की, कुछ जलने की, ना वो ड्राइवर का कुछ चिल्लाना भागना, कुछ आवाज़ ही नहीं आई है। बस मुड़ के देखा और वो ऑटो पूरा जल रहा है। साहिल को समझ नहीं आता कि वो क्या करे इस टाइम। साहिल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, और जब वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है तो भी उधर दूर दूर तक कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता, कोई उसके चिल्लाने से मतलब पास नहीं आता कि भाई क्या हुआ, पूछने तो छोड़ो, वहाँ पे कोई होता ही नहीं है, तो सुनने वाला ही नहीं था कोई। साहिल को तभी याद आता है कि मैंने अभी पीछे देखा है, घर है जो TC का है। साहिल भगते हुए वहाँ पे जाता है, वो गेट जोर से ऐसे खनका रहा है, तो TC आता है, वो गेट खोलता है और पूछता है भाई क्या हो गया तुम्हें इतनी रात को, तुम ऐसा क्या कर रहे हो, ठीक हो, क्या हुआ? साहिल बता नहीं पा रहा, साहिल इतना ज़्यादा डर चुका है, वो साहिल बोल भी नहीं पा रहा ढंग से। वो बस उसे पकड़ के बोलता है ऑटो ऑटो ऑटो, तो TC बोलता है ऑटो क्या ऑटो, आगे बोलोगे? तो वो बोलता है ऑटो मैं जिसमें बैठा हूँ जल गया, मुझे समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है, आप प्लीज़ आएँ और मेरी हेल्प करें। TC जैसे ही ये सुनता है, TC एकदम से ऐसे डर जाता है, उसके हाव भाव चेंज हो जाते हैं। वो बोलता है कि तुम किसी ऑटो की बात कर रहे हो इस टाइम पर? साहिल कहता है हाँ, वो मैं एक ऑटो में बैठा था नया और जल गया, मुझे पता नहीं वो ड्राइवर कहाँ पर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। TC उसकी बात को काटता है, उसे बोलता है चलो अंदर चलो, घर के अंदर जल्दी चलो। वो खींच के साहिल को मतलब घर के अंदर ले आता है और ऐसे पूरा बंद कर देता है दरवाज़ा, कुंडी लगा देता है। और साहिल अब बोल रहा है कि क्या हो गया, मुझे अंदर क्यों ला रहे हो, आप चलो चलो, आप देखो उधर क्या हुआ है, वो भैया पता नहीं जल गए हैं, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा। साहिल एकदम मतलब टेंस्ड है पूरा, उसे समझ नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। TC उसे बिठाता है और बोलता है अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, रिलैक्स, मतलब
पानी वानी लाता है, उसे पूरा समझाता है कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, चुप रहो और मुझे पूरा बताओ कि हुआ क्या है आराम से। अब साहिल बैठ चुका है, पानी पी रहा है और वो आराम से बताता है कि मैं एक ऑटो में आया था, एक नया सा ऑटो था, भैया ने मुझे कहा था वो मतलब दौलतगंज छोड़ेंगे, और एकदम से मैंने जब देखा तो जलने लग गया ऑटो, मुझे कुछ समझ नहीं आया, आसपास कोई था नहीं तो मैं किसी को बुला भी नहीं पा रहा था, तो मैं बस आपके पास आ गया और यही स्टोरी। अब आप चलो जल्दी से और आप हमारी हेल्प करो। जैसे वो ये बोलता है, टीसी बोलता है कि मैं जो तुम्हें अब सुनाने वाला हूँ चुपचाप सुनो और समझो बात को, और ऐसे पैनिक मत हो। टीसी मतलब एकदम कठोर आवाज़ में बता रहा है। साहिल जैसे सुनता है, साहिल थोड़ा सा चुप हो जाता है। साहिल बोलता है कि क्या बताओ। तभी टीसी उसे बताता है कि जिस ऑटो में तुम बैठे थे, जो ऑटो अभी चल रहा है, वो कोई नॉर्मल ऑटो नहीं है, वहाँ पर एक ऑटो ड्राइवर का भूत घूमता है और तुम कुछ नहीं बाकी लोगों की तरह एक शिकार हुए हो उस भूत का। तुम्हें जो लग रहा है कि वो जो जल रहा है वो ऑटो है, वो और कुछ नहीं है, वो बस तुम्हारा भ्रम है। साहिल जैसे ही सुनता है वॉर्ड मतलब पैनिक कर जाता है कि अब ये क्या मतलब हुआ, ये क्या नई स्टोरी आप लेके आ गए हो, मैं तो उसमें बैठा था, वो तो जस्ट मुझे छोड़ने वाला था आगे, भूत ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। तभी टीसी बोलता है कि तुम एक बार वापस खिड़की से देखो। साहिल खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता, एक ऑटो जो वहाँ क्लियर चल रहा था जिसमें साहिल बैठा हुआ था, वहाँ कुछ भी नहीं है, ना वो ऑटो है, ना वो ऑटो ड्राइवर है, ना कुछ जलने के निशान है, सिर्फ साहिल का बैग पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं। साहिल बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये मैं खुद उस ऑटो में बैठा हुआ हूँ, मेरे को एक भूत में आदमी दिख जाए समझ आता है, बट एक ऑटो पूरा एकदम नया लगना, ये सब साहिल को कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी टीसी बताता है कि देखो तुम पहले नहीं हो, तुम्हारे जैसे और भी कुछ अनजान लोग होते हैं जो यहाँ पे आ जाते हैं और उनको सिर्फ वो ऑटो मिलता है, क्योंकि यहाँ पर उस ऑटो के अलावा कुछ भी नहीं है, ना यहाँ कोई आदमी आता है, ना यहाँ दूसरे ऑटो वाले आते हैं, ये पूरा एक सुनसान खंडर पड़ चुका है। तुम मुझे देख रहे हो, मैं क्यों उस रेलवे स्टेशन में नहीं गया हूँ इस टाइम पर, मैं यहाँ रात में क्या कर रहा हूँ। मैं वहाँ इसलिए नहीं गया क्योंकि रात के टाइम में वहाँ जाना एक तरफ से मतलब ऐसा हो चुका है कि लोकल्स को पता है वहाँ नहीं जाना है, इस टाइम पर बिल्कुल नहीं जाना, और इसलिए मैं भी वहाँ नहीं जाता जबकि मेरी ड्यूटी वहाँ पर इस टाइम पर है। लेकिन उस भूत का यहाँ पर इतना ज़्यादा खौफ है कि ना तो यहाँ कोई आता है, ना तो यहाँ कोई जाता है। और वो अंकल ये भी आगे बताते हैं कि यहाँ पे करीबन 2-3 महीने बाद कोई आदमी आया है जो कि तुम हो, 2-3 महीने से यहाँ कोई भी नहीं आ रहा था, ये इतना ज़्यादा खंडर पड़ चुका है, मतलब सुबह आते थे बट रात को कोई नहीं आता था। और जैसे ये सब बताता है अब साहिल को समझ आने लगा है कि आखिर चल क्या रहा है। साहिल बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मतलब ये सब कैसे, और ये सब हमें पता क्यों नहीं है। तब वो अंकल आगे बताते हैं कि एक टाइम था जब यहाँ पे सब आया करते थे, जब यहाँ ऑटो की लाइंस हुआ करती थी, और तब एक आदमी आया था जिसने एक नया ऑटो ख़रीदा था, वो बहुत खुश था। वो एक लाइन होती है ना जहाँ पे एक ऑटो पीछे ऐसे खड़े होते हैं, तो वो जो आदमी नया ऑटो लेके आया था उसने वो लाइन फॉलो नहीं करी थी, वैसे बीच में अपना ऑटो लगा दिया था, तो जो उसके पीछे वाले ऑटो वाले थे उनका उस ऑटो वाले से झगड़ा हो गया। और पहले तो ये नॉर्मल झगड़ा हुआ, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये सारे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। और वो झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उनमें से जो एक ऑटो वाला था उसने डिसाइड किया कि ये जो नया ऑटो वाला है ना, मैं इसका ऑटो ही जला दूंगा। वेल, ऐसा ही हुआ, अगले ही दिन उस ऑटो में एकदम से आग लग गई। बट प्लान ऑटो जलाने का था सिर्फ, लेकिन ऑटो के साथ साथ वो ऑटो ड्राइवर भी वहीं पर जल जाता है, और ऑटो ड्राइवर की वहीं पे ही जलकर मौत हो जाती है। वेल, थोड़े ही दिनों में जिसने ऑटो में आग लगाई होती है, जो दूसरा ऑटो ड्राइवर होता है, उसको तो जेल हो जाती है, बट कहते हैं कि उस दिन के बाद से जो ऑटो ड्राइवर है उसकी आत्मा यहाँ पर रोज आती है, क्योंकि जो ऑटो ड्राइवर था उसकी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, और उसके रिवेंज की वजह से ही यहाँ पर आज की डेट में एक भी ऑटो ड्राइवर नहीं आता। आधों ने तो ये मतलब नौकरी छोड़ दिया और आधों ने अपने घर बदल दिया, इतने ज़्यादा डर चुके हैं इस चीज़ों से, क्योंकि जो लड़ाई हुई थी उनमें उन सब का भी कहीं ना कहीं हाथ था, और उन्हीं से ये बदला लेने के लिए ऑटो ड्राइवर अभी तक यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। ये भी कहा जाता है कि आए दिन यहाँ पर लोगों को ऑटो चलने की आवाज़ आती है या किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई जलता है तो कैसे चिल्लाता है, बस वैसे ही चिल्लाने की आवाज़ आती है। और भी यहाँ पर बहुत सारी घटना हुई है, इसलिए अब यहाँ ना तो कोई आता है और ना ही कोई यहाँ से जाता है। साहिल जैसे ये सब सुनता है, साहिल बहुत ज़्यादा डर चुका है, और साहिल टीसी वाले अंकल से पूछता है तो अब क्या करना चाहिए हमें, यहाँ से आधी रात हो चुकी है और मुझे वो बैग जो पड़ा हुआ है वो जाके लाना चाहिए कि सुबह का इंतज़ार करना चाहिए। जो टीसी अंकल होते हैं वो बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। तो टीसी अंकल चल पड़ते हैं साथ में, अपने साथ फ़ोटो ले लेते हैं वो हनुमान जी की, और उन्होंने कुछ चीज़ें पहनी भी होती है। तो
वो बोलते हैं कि मेरे को कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं आए दिन मतलब हर हफ्ते ही एक मंदिर पर जाता हूँ और वहाँ से मैं पूरी पूजा करके और पूरे ये जो धागे वागे देख रहे हो तुम ये सब इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए क्योंकि मेरी तो यहाँ ड्यूटी है, तुम लोग चाहो तो आज आओ मत आओ बट मेरे को तो यहाँ आना ही पड़ेगा, मेरे को यहाँ रहना ही पड़ेगा, तो मैंने हर चीज़ करी हुई है जिससे ये जो भूत प्रेत ये सब है ये मुझे नुकसान ना पहुँचाए। और साहिल बोलता है ठीक है तो आप मेरे साथ चलो। टीसी और साहिल साथ जाते हैं, वो उस रोड में खड़े होते हैं और साहिल जाके अपना बैग उठा ही रहा होता है कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, एक भयानक सी आवाज़ जो कि उसको बोलती है कि तुम्हारी माँ ने खरी जीतिया किया है इसलिए तू बच गया। वेल, खरी जीतिया एक भोजपुरी वर्ड है। साहिल का बताना है कि जो साहिल की मॉम थी उन्होंने बचपन में मतलब उसके साथ ऐसा कुछ किया था जिससे उसे बुरी नज़र ना लगे और जो किया था उसको खरी जीतिया कहते हैं। अगर मैं प्रोनाउन सही से नहीं कर रहा उसके लिए आई एम सॉरी, बट जो खरी जीतिया साहिल के साथ हुआ था जो उसकी मम्मी ने किया था उसी की वजह से आज वो बच गया था। वेल, साहिल जल्दी से वहाँ से बैग उठाता है और वापस टीसी के साथ उसी के रूम में चला जाता है। जैसे ही टीसी के रूम में जाता है टीसी बोलता है कि तुम चिंता मत करो मैं कुछ ऑटो वालों को जानता हूँ तो मैं उन्हें बुला देता हूँ, अगर वो आने को रेडी होते तो ठीक है अगर नहीं होते तो तुम सुबह चले जाना। साहिल बोलता है जैसा आप कहें वैसे ही करते हैं। टीसी एक दो ऑटो वालों को मिलाता है जिनमें से एक आने को तैयार हो जाता है, वो बोलता है कि मैं उस साइड नहीं जाऊँगा जो ये स्टेशन है इसके इस साइड वो ऑटो वाला जो घटना है वो हो रही है, और जो टीसी वगैरह है वो ऑलमोस्ट स्टेशन के थोड़ा सामने से है इस साइड समझ लो, तो जो दूसरा ऑटो है वो इस साइड से आता है, बोलता है मैं घूम के उस साइड चला जाऊँगा लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो ऐसे ही होता है ऑटो वाला यहाँ पर आता है, साहिल जाता है ऑटो में बैठता है, वो ऑटो वाला घुमा के दूसरी साइड से लेकर जाता है और साहिल को सेफली वहाँ पर पहुँचा देता है जहाँ साहिल का सेंटर था। वहाँ पर साहिल नॉर्मल होटल लेता है। वेल, ये होते होते अब सुबह होने लग जाती है तो सो तो नहीं पाता, बस थोड़ा सा रेस्ट करता है हल्का सा, उठता है फिर से रिवीजन करता है अपना एग्ज़ाम देकर आता है और बस वहाँ से छूटते ही वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। वो बोलता है मुझे यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना, वैसे भी यहाँ पे उसका नोन कोई नहीं होता, ना घर वाले ना दोस्त, और उसके साथ ये सब हो गया है तो मतलब समझ सकते हो आप वहाँ पे उसके रुकने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो बस जैसे ही वो एग्ज़ाम देता है वो वापस वहाँ से अपने घर की तरफ लौट आता है। तो ये थी गाइस साहिल की स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी और आपके पास भी ऐसे कोई अच्छे से डरावने से किस्से हैं तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगेन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि वो आप मुझसे जीमेल पर शेयर कर सकते हैं, मेरा जीमेल अकाउंट आपको यहीं कहीं दिख रहा होगा, तो आप वहाँ पर आकर प्लीज़ मुझसे शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।